जय माता दी की। मैं सुखदेव सिंह गोवाबेड़ी, जय माँ भवानी। सर्वप्रथम दीपावली के पावन पर्व पर सभी इस देशवासियों को, मेरे समाज के क्षत्रिय छत्राणियों को, बनाओ भाईसाओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके दिन दुगने, रात चौगुनी तरक्की करें और समाज के भाई बहन जितने भी युवा होनहार हैं उनसे आग्रह है कि आप लोग स्ट्रूर होने के लिए पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। इसके साथ साथ समाज के जितने भी अपने आप को अग्रणीय पंक्ति में मानने वाले हैं, तो समाज सेवी नेता या राजनीतिक नेता, उनसे भी मेरा आग्रह है कि थोड़ा बहुत ध्यान समाज की तरफ भी दो। लक्ष्मी जी की तरफ ज्यादा ध्यान मत दो, समाज को भी जरूरत है आप लोगों की। आज आप लोगों को नेता शब्द किसने दिया? समाज ने। आप बात करते हो 35 कौम की कि 35 कौम ने वोट दिया? मेरे को वोट देती है कौम, 35 कौम देती है वोट, पर सर्वप्रथम शुरुआत समाज करता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि समाज की जहां भी बात हो, हमारे राजपुताने की जहां भी आन बान शान की बात हो, या हमारे हिंदुत्व की जहां भी आन बान शान की बात हो, वहां तो कम से कम बोलना शुरू कर दो। इस देश के जितने भी सांसद हैं जो संसद में बैठते हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत में, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, आपका बेटा, आपका भाई, इस देश का एक नागरिक होने के नाते, कि आप माता पद्मावती का मैटर संसद में क्यों नहीं उठाते? संसद में ईंट से ईंट क्यों नहीं बजाते? हम लोगों ने आपको चुन के इसलिए भेजा था क्या कि आप अपनी दुकानें जमा करके इन पार्टियों की चमचागिरी करते रहना? पार्टियों से पैदा नहीं हुए आप, हम जनता, हम भाई हैं आपके। हम लोगों ने एक एक वोट देकर के आपको चुना है। इस सती माता पद्मावती को बदनाम कर रहा है ये भांड आईएसआई और दाऊद के पैसे लगा करके, और तुम लोग बैठे बैठे देख रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए मेरे देश के होनहार नेताओं। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, वरना इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में ये मैटर उठना चाहिए। और एक में इस देश के जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं, खास तौर से आरएसएस से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सबसे ज्यादा हिंदुत्व का पाठ हमें आप पढ़ाते हो आरएसएस के जरिए। हाफ पैंट पहन के मैं भी गया हूं कैंपों में, मैंने भी डंडा और लठ उठाया है। आप लोगों से ही सीखा मैंने लठ उठाना और खुंटा गाड़ना। पर आप चुप क्यों हो? आप मौन क्यों हो? आज बड़े शर्म की बात है, दीपावली का इतना बड़ा त्योहार हिंदुओं का, श्री राम की एक तरफ गुणगान हो रहे हैं, पूजा हो रही है माता लक्ष्मी की ओर की, और श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के करनी सैनिकों को और गुजरात के बापुओं को थाने में बंद कर दिया। और किसने बंद करवाया? आपकी स्मृति ईरानी ने फोन करके कि दीपिका पादुकोण का पोस्टर क्यों फाड़ दिया। अरे पोस्टर की क्या बात करते हो, सामने आ, तुम्हें भी फाड़ेंगे अगर तुम नहीं सुधरे, अगर तुमने हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश की, या तुम लोगों ने राजपुताने को बदनाम करने की कोशिश की, या हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें भी फाड़ेंगे। बंसाली भांड याद कर ले, जयपुर दोबारा वही दौड़वाना चाहता है क्या? तू नहीं होने देंगे, तुम लोगों के गलतफहमी है। हमारे समाज के जो ठेकेदारों ने तुम्हें लेटर दिया था वो भी तुम्हारी गलतफहमी है। तुम ये सोच रहे हो ना हमारी टीआरपी बढ़ रही है, टीआरपी नहीं, मेरे देश के होनहार युवाओं, मेरे देश के हिंदुओं, मेरे राजपुताने के शेरों, हिंदुत्व को राजपुताने को बदनाम नहीं होने देंगे। अगर सती माता का अपमान हुआ तो उस हर हिंदुस्तानी का अपमान होगा जो हिंदुस्तान में रहता है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। मैं इस हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि ये फिल्मों वाले भांड हमारे भाईचारे को नष्ट करने के लिए कि नए नए परकोंडे अपनाते हैं और आईएसआई और दाऊद के इशारे पे काम करते हैं। इसलिए आपसे भी आग्रह करता हूं इस फिल्म का आप भी विरोध करो, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आप भी आओ। मेरे देश के नौजवान साथियों, आज जो सूरत में घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है,
इसके परिणाम सरकार को गुजरात चुनाव में भुगतने होंगे, सरकार को गुजरात चुनाव में इसके परिणाम भुगतने होंगे और सार्वजनिक रूप से सरकार के नुमाइंदों को वहां सूरत में हमारे शेर भाई हैं उनसे माफी मांगनी चाहिए कि पुलिस के अधिकारियों ने गलत काम किया है। पर मैंने खुद गुजरात के डीजीपी से मैंने खुद ने बात की है, उसने कहा मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं इस घटना का पता लगाता हूं, और उसने फोन किया वहां के एसपी को। सूरत का एसपी ये कहता है कि स्मृति ईरानी जी का केंद्रीय मंत्री है, उनका फोन आ गया, इसलिए दबाव में हमें थाने में युवाओं को बिठाना पड़ा। अरे किस हिंदुत्व की बात कर रहे हो, होश में आओ, होश में, होश में आओ। और खास तौर से मैं जो बाला साहब ठाकरे ने नींव डाली थी उनको याद दिलाना चाहता हूं, शिवसेना वालों को, कि बाला साहब ने जो नींव डाली थी उस नींव को कायम रखो। इस पद्मावती फिल्म का आप भी विरोध करो, हमारा साथ कंधे से कंधा मिला करके दो। आप क्यों चुप हो, क्यों चुप हो? या तो फिर हिंदुत्व का ठेका राजपूतों को दे दो, राजपूतों को दे दो हिंदुत्व का ठेका, और कोई हिंदुत्व की बात नहीं करेगा। अगर तुम हिंदू संगठन हो और सच्चे हिंदुस्तानी हो तो इस फिल्म का विरोध करना शुरू कर दो, और करना पड़ेगा। सती माता का अपमान इस ही हर हिंदुस्तानी उस औरत का अपमान है जो सहन कतई नहीं होगा। मेरे नौजवान साथियों, खास तौर से मैं युवा पीढ़ी से आग्रह करना चाहता हूं कि जो मर्जी पार्टी हो, पार्टियां अपने ढंग से चलती हैं, पर हमें हमारे इतिहास को बचा करके रखना है, हमारे हिंदुत्व को बचा करके रखना है। आज महाराणा प्रताप, शिवाजी और पद्मावती, सती माता जैसे नहीं होते तो हिंदुस्तान नहीं होता। मेरे नौजवान साथियों, आए दिन बात की जाती है यहाँ, चलो वो हिंदू हो गया, अरे हिंदू वही है क्या जो मुसलमान समाज को गाली दे या मुस्लिम को गाली दे, वो हिंदू है क्या? नहीं, नहीं, वो भी हमारे भाई हैं। पर आईएसआई और दाऊद के पैसे लगा करके ये भांड जो भांडगिरी कर रहे हैं उनका विरोध करे, मैं तो उसको हिंदू मानता हूं, उसको हिंदू मानता हूं। जितने भी इस देश के हिंदू संगठन हैं उनसे आग्रह है, आपका भाई, आपका बेटा, आपका समाज का एक छोटा सा, आपके पैरों की धूल के कण के बराबर हूं मैं, पर बात खड़ी करता हूं। किसी को चोट दिल पे हो चाहे दिमाग पे हो, बात सही सुननी पड़ेगी मेरे नौजवान साथियों। इसलिए इस पद्मावती फिल्म का सिस्टम ही खत्म करो, पोस्टर पास्टर कहीं नहीं लगना चाहिए, मैं फिर कहता हूं। और इस देश के प्रधानमंत्री जी हैं उनसे आग्रह है मेरा, मैंने पहले भी कहा था, समर्थी जी को आप समझाइए, आपकी बात मानती है वो, बीजेपी के किसी की नेता की बात नहीं मानती वो, सुनने में आया है मेरा। अब मैं फालतू तो बोलता नहीं, ज्यादा बोलता भी नहीं मैं, वरना कुछ मुंह से और निकल गया, क्योंकि मेरी तो वैसे ही सरकी हुई रहती है, बीपी हाई रहता है, और निकल गया तो लेने के देने पड़ेंगे आपको। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, हमने आपको बड़ी उम्मीदों से, देशवासियों ने, युवाओं ने प्रधानमंत्री चुना है, इस देश के युवाओं ने आपको प्रधानमंत्री चुना है। पद्मावती फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए प्रधानमंत्री जी, अगर ये फिल्म रिलीज हो गई तो हिंदुत्व का नाम नहीं लोगे आप कभी भी, ये मैं कह रहा हूं। एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, छोटा सा, कुछ भी नहीं हूं मैं, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर बना रखा है मुझे, पर समाज का छोटा सा छोटा, सबसे छोटे वाला अंग में हूं मेरे नौजवान साथियों। इससे आपसे आग्रह है, और जो भाई सूरत में आज अरेस्ट हुए थे, जो पूरे दिन त्योहार के दिन भी थाने में रहे, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, और मैं जल्दी सूरत आऊंगा, उनको सामाजिक मंच पर पूरे भारत के सामने सम्मानित करूंगा उन युवा भाइयों को। ऐसे ही आप लड़ते रहो, कोई पोस्टर नहीं लगना चाहिए, फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए, चाहे हमें कोई भी एक्शन लेना पड़े। मेरे नौजवान साथियों, जय जय राजपुताना, जय मां भवानी, जय हिंदू राष्ट्र। मैं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष।